ताजा तरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। राजस्थान के प्रतापगढ़ व डूंगरपुर जिले में 16 डॉक्टरों का आतंक, वहीं प्रशासन की मिलीभगत। एक और देश जहां कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है और देश में डॉक्टर अपनी जान की परवाह किए बिना कोरोना संक्रमितों का इलाज कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर कुछ 16 डॉक्टर लोगों की जिंदगियों से सरेआम खिलवाड़ कर रहे हैं। मामला राजस्थान का है, जहां राजस्थान के प्रतापगढ़ एवं डूंगरपुर में 16 डॉक्टरों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। प्राइम न्यूज 24 द्वारा मेडिकल ऑफिसर एवं जिला पुलिस अधीक्षक को कई बार अवगत कराया गया है। प्रतापगढ़ से नर्सिंग संगठन के जिला अध्यक्ष अशोक रावल द्वारा कई बार ज्ञापन दिए गए हैं। डूंगरपुर में भी मीडिया द्वारा कार्यवाही करने के लिए प्रशासन को अवगत कराया गया, तो प्रशासन एवं पुलिस ने कार्यवाही तो की लेकिन खानापूर्ति कर ली, जिसके कारण 16 डॉक्टर अपने क्लिनिक वापस खोल लिए हैं। लेकिन दोनों जिलों के CMHO एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा कोई कठोर कार्यवाही नहीं किए जाने पर उनमें डर खत्म हो गया है। तो फिर मिलीभगत के चलते ये 16 डॉक्टर बार बार अपना क्लिनिक खोल लेते हैं। प्रशासन को चाहिए कि वह एक बार में ही कठोर कार्यवाही करें। कोरोना के चलते ये 16 डॉक्टर ना तो मास्क लगाते हैं और ना ही दस्ताने का इस्तेमाल करते हैं, जिससे आम जनता को बीमारी का डर रहता है। इन 16 डॉक्टरों द्वारा हाई डोज की दवाइयाँ भी दी जाती हैं, जिससे व्यक्ति कम समय में स्वस्थ तो हो जाता है लेकिन अपने जीवन का खतरा भी बन जाता है। ये जनता के सेवक कब जनता को न्याय दिलाएंगे? प्रतापगढ़ जिले के यह नर्सिंग संगठन के अध्यक्ष प्राइम न्यूज की मुहिम का पूर्ण सहयोग कर रहे हैं और उन्होंने कई बार प्रशासन को ज्ञापन देकर कार्यवाही के लिए अवगत भी कराया है। 16 डॉक्टरों पर कठोर कार्यवाही नहीं होने पर धरना प्रदर्शन एवं भूख हड़ताल जैसे कदम उठाने की बात बताई जा रही है। प्राइम न्यूज 24 ब्यूरो विपिन जोशी की खास रिपोर्ट। देखिए, कोरोना के इस मार प्रकोप में भी 16 बंगाली डॉक्टर प्रतापगढ़ जिले में सैकड़ों की संख्या में अपनी जान बचा रखी है। ये जनता के स्वास्थ्य के साथ अनलीगल तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं और स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। हमने प्रशासन को कई बार अवगत कराया लेकिन प्रशासन ने अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि प्रतापगढ़ ज़िले में सैकड़ों की संख्या में 16 बंगाली डॉक्टर वर्क कर रहे हैं, वो भी अनलीगल तरीके से। उनके पास मेडिकल फील्ड से ना तो कोई डिग्री है, ना डिप्लोमा है, ना ही इन लोगों के पूरी तरह से कोई नॉलेज है और ये 8वीं और 10वीं फेल हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर ये कार्रवाई प्रशासन नहीं करता है तो हम बहुत जल्द धरना प्रदर्शन करेंगे और रोड पर आएंगे और इसमें जो भी समस्या उत्पन्न होगी वो जिला प्रशासन जिम्मेदार रहेगा। मैं अशोक रावल, NSO प्रतापगढ़ जिला अध्यक्ष। या फिर सब बंद को यूं कह रहे डॉक्टर साहब, बिल्कुल बंद कर दो, कोई नहीं करेगा, यूं कह रहे फिर वो बिल्कुल बंद करा देगा। ये करो, मैं भी नहीं करूँ, ये भी कर रहे हैं, वो उसको कहते हैं तू ही बंद कर दे बस। वो जैन साहब कहते हैं, हाँ जैन साहब, जैन साहब तो बोल रहे हैं।